हेलो दोस्तों, आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर आज हम कट कॉपी पेस्ट के बारे में सीखेंगे। वो एक्सेल में यूज़ होने वाला बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ऊपर अगर मैं आपको ले चलूं, तो यहाँ देखिए आप ऊपर टैब्स हैं जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हर टैब के अंदर उसके रिबन है, उस रिबन के अंदर उसके ऑप्शंस हैं। सबसे पहला टैब है यहाँ होम का। होम में जो सबसे टॉप में बाईं तरफ आपको दिखेगा वो है कट कॉपी, इधर पेस्ट लिखा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर है। इनके इसी सेक्शन के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और उपयोगी फंक्शंस है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जब आप एक्सेल में काम करते हैं। आपको समझाने के लिए दोस्तों मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है। इसमें पहले कॉलम ए में मैंने डे दिया हुआ है, डे संडे से लेकर शनिवार तक। कॉलम बी में मैंने आल्टो कार की सेल ली हुई है किसी शोरूम की, और सी में मैंने वैगन आर की सेल ली हुई है। ये आपको समझाने के लिए इमेजिनरी नंबर्स मैंने डाले हैं, जो आपको चीज़ समझा रहा हूँ। अब जब ये टेबल बनाई गई है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, इधर पीला कलर है, ऊपर नीला कलर है, इसमें फॉर्मेटिंग है, नंबर डाले हुए हैं। अगर आपको यही टेबल कहीं और भी ले जाके बनानी है तो आपको समय लगेगा। उसको ये फंक्शंस आपके बचाते हैं और काम को बड़ा आसान कर देते हैं। अब देखिए वो किस तरीके से करना है। हम इस कॉर्नर में जाके इस टेबल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जब ये टेबल हमने सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद हम ऊपर जाके ये कॉपी का फंक्शन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो आप देखिए पूरा का पूरा ये कॉपी हो गया। इसके चारों तरफ ही लाइट ब्लिंक हो रही है। और इसको यहाँ पे मान लीजिए एच सेक्शन में जाके मुझे यहाँ पर उसको पेस्ट करना है, तो मैं जाकर वहाँ पर ये पेस्ट का बटन प्रेस कर दूंगा और वो टेबल यहाँ पर जाके प्रेस हो जाती है, पेस्ट हो जाती है। तो आप देखिए एक पूरी की पूरी टेबल हमने यहाँ बना ली बिना किसी मेहनत के। सिंपली दो कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। इसका एक शॉर्टकट भी है दोस्तों, जो कीबोर्ड शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। कीबोर्ड में कुछ बटन दबा के हम उसको कर सकते हैं कर्सर को ना ले जाते हुए। वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमने मान लीजिए इस टेबल को सेलेक्ट किया हुआ है और मैं टेबल पे कीबोर्ड पे कंट्रोल और सी का बटन दबाऊँ तो भी ये कॉपी हो जाता है। और यहाँ पे मान लीजिए एन रो पे मेरे को रखना है और कंट्रोल और वी, ये पेस्ट का शॉर्टकट है, उससे ये पेस्ट हो जाता है। दोस्तों आपको इन शॉर्टकट्स के लिए परेशान नहीं होना है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे शॉर्टकट्स लिख के दूंगा नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आपको अभी याद रखने के लिए लिखने की चेष्टा ना करें, आप तो देखें और समझें। तो ये हमने कंट्रोल सी मतलब कॉपी और फिर पेस्ट कॉपी किया और उसको चिपका दिया हमने यहाँ पर। इस तरीके से हमारी ये टेबल्स बन जाती है बिना किसी मेहनत के। उसके बाद एक और शॉर्टकट है, मैं बताता हूँ आपको, कंट्रोल और जेड का। ये किसी भी काम को वापस अंडू कर देता है, मतलब किए हुए काम को हटा देता है। मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर तीन चीज़ें की थी मैंने, वो टेबल हट गई। यहाँ पर भी मैंने तीन एक्टिविटीज़ करी थी, उसको मैं हटाता हूँ तो देखिए टेबल हट जाती है। कंट्रोल जेड भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपसे कुछ गलती हो जाए तो उसमें आपको सुधारने में वो मदद करता है। ये भी आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा शॉर्टकट। तो दोस्तों हमने देखा कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी या फिर कॉपी और पेस्ट के द्वारा हमने इसको पेस्ट कर लिया। अभी आपने एक चीज़ देखी कि जब हमने कॉपी पेस्ट किया था तो इसके साथ फॉर्मेट और उसके अंदर का डेटा पूरा का पूरा जाके वहाँ पेस्ट हो गया था। इसका और भी तरीका है दोस्तों, जैसे हम इसके अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट के अंदर आता है पेस्ट स्पेशल। जैसे मान लीजिए हमने इसको कॉपी किया हुआ है और हम अगर पेस्ट में जाते हैं तो नीचे आपको एक दिखेगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल को जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसमें एक टेबल खुलती है जिसमें से आप अलग अलग ऑप्शन चुन सकते हैं। लाइक अगर मैंने इसमें से सिर्फ वैल्यूज़ वाला तीसरा नंबर का बटन दबाया और यहाँ पर जाके मैंने उसको पेस्ट किया, मेरे को कर्सर सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे मुझे वो करना है, और हमने पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दबाने के बाद जब वैल्यू सेलेक्ट करके उसको ओके किया तो देखिए दोस्तों सिर्फ वैल्यूज आई और फॉर्मेट नहीं आया। लाल पीला ब्लू और पीला कलर था, बॉर्डर्स थे, वो सब हट गए, सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुई क्योंकि हमने पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू सेलेक्ट की थी। कंट्रोल जेड से मैं इस टेबल को हटाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वापस जाके वहीं पे पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल का सेक्शन सेलेक्ट करके। इसमें अगर मैं उसके वैल्यूज़ के नीचे फॉर्मेट्स है, अगर मैं फॉर्मेट्स को क्लिक कर देता हूँ दोस्तों तो आप देखेंगे कि अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट आया और वैल्यू नहीं आई। ये चीज़ें आपने देखी दोस्तों कि सिर्फ फॉर्मेट आया, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ आई, और अगर आप सिंपल पेस्ट करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। कंट्रोल जेड से मैं इसको फिर से हटाऊंगा। एक और इसके अंदर बहुत उपयोगी फंक्शन आता है पेस्ट स्पेशल के अंदर, अगर आप देखेंगे पेस्ट स्पेशल का विंडो मैं यहाँ से दबाता हूँ, खोलता हूँ तो यहाँ पर एक आता है ट्रांसपोज। अगर आप इस ट्रांसपोज के बटन को यहाँ दबा के ओके करते हैं दोस्तों
तो देखिए आपकी टेबल जो है दूसरे तरीके से पेस्ट हो जाती है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप यहाँ पे आपने कॉलम में डेज लिखे थे, आप उसको रोज में चाहते थे कि डेज आ जाए और टेबल जो है पलट जाए, मतलब जो चीज़ें कॉलम में थी वो रो में हो जाए, जो रो में थी वो कॉलम में हो जाए। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज जैसे ही आप यूज़ करते हैं ये टेबल इस तरीके से चेंज हो जाती है। एक चीज़ और दोस्तों, मान लीजिए आप ओरिजिनल जगह से उस टेबल को हटाना चाहते हैं। अभी क्या हो रहा था कि जहाँ पे आप टेबल रख रहे थे उस जगह भी टेबल मौजूद रह रही थी और नई जगह भी जा रही थी, लेकिन अगर आप अपनी पुरानी जगह से उस टेबल को हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो फिर उस केस में आपको कट का इस्तेमाल करना है। यहाँ से आपने कट का बटन प्रेस कर दिया और फिर आपने नई जगह गए, यहाँ पर गए आप और चाहते हैं कि टेबल वहाँ शिफ्ट हो जाए, तो आप उसके बाद पेस्ट में जाके उसको पेस्ट कर दें। तो आप देखेंगे पेस्ट करते ही पुरानी जगह से टेबल चली गई और नई जगह पे वो टेबल पहुंच गई। तो इस तरीके से कट पेस्ट में पुरानी जगह आपकी टेबल नहीं रहती है, नई जगह पहुंच जाती है डेटा, कॉपी पेस्ट में दोनों जगह मौजूद रहती है। तो कट कॉपी पेस्ट के बारे में दोस्तों इतना ही। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है और इसके अंदर आपको ये सारी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, तो ये भी एक अच्छा टूल है। इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो एक ब्रश जैसा बन जाता है, उस ब्रश जैसे टूल से आप जिस एरिया को सेलेक्ट करेंगे उसका वो फॉर्मेट कॉपी कर लेता है दोस्तों, और उस फॉर्मेट को वो नई जगह जाके आपका पेस्ट कर देगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर को लिया और यहाँ जाके जब मैंने क्लिक किया तो इसमें भी वो वही का वही फॉर्मेट पेस्ट कर देता है। इस फंक्शन को दोस्तों फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और फंक्शंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।